أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students welcome to virtual classroom of SSP Degree College students हम आपके साथ जो बात कर रहे थे chapter और departmentalization के हवाले से बात कर रहे थे तो departmentalization of factory overhead की series का ये third lecture आपकी screen पर मौजूद है आइए students इसमें देखते हैं हम कि हमने करना क्या है actually तो इसमें हमने करना ये है कि जबर जो कॉर्पोरेशन है मेंटेन करती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी और सर्विस डिपार्टमेंट है स्पेस बी एंड ई रिस्पेक्टिवली तो इसमें इट्स कंपनीज पॉलिसी दैट वंस अ सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड नो कॉस्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स टू बी एलोकेटेड टू इट तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज क्लियरली मेंशन कर दी गई कि जैसे ही हमने एक कंपनी के एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट किया अपोर्शन किया दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर तो अब जो दूसरे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट होगी वो यहाँ इसको नहीं मिलेगी और अब आगे बढ़ते हैं और कहा यह जाता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह दी गई है आपको फॉर द मंथ जो कि अभी एंड हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम बता दी गई कि डिपार्टमेंट सी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्ट्रीब्यूट होगा डिपार्टमेंट डी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिपार्टमेंट ई ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो सी डी एंड ई हैं जबकि यहाँ जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो ए एंड बी हैं तो हमने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात बारहा बताई कि हमने एक्चुअली करना ये होता है कि जो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट होती है उसको हमने अप्रोशनमेंट करनी होती है उसको एलोकेट करना होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि क्या बात की जा रही है तो हमसे यहाँ कहा गया कि सबसे पहले डिपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं ए बी सी डी एंड ई तो इनकी जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है ए की जो एवरेज कॉस्ट है वो 15,000 है जबकि बी की जो एवरेज कॉस्ट है वो 12,000 है सी की 14,000 है डी की 8,000 है एंड ई की 2,000 है तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें यहाँ एवरेज कॉस्ट दी गई याद रखिए लेक्चर नंबर टू में हमने आपके साथ जो डिस्कशन की थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एफओएचएस दे दिए जाते हैं और अच्छा लेक्चर नंबर वन में कि डिफरेंट डिफरेंट एफओएच जो है वो दे दिए जाते हैं और हमें जो है वो क्या करना होता है सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन करनी होती है तो यहाँ ऑलरेडी जो एफओएच थी तमाम के तमाम हवाले से आइटम से वो ऑलरेडी एलोकेटेड है यहाँ अब हमने जस्ट करना ही है कि हमने इन कॉस्ट के ऊपर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है या इनकी अपॉर्चुनमेंट करनी है डिपार्टमेंट सी डी एंड ई की तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम टोटल करें तो टोटल एवरेज कॉस्ट बनता है हमारे यहाँ पास 51,000 रुपीज जबकि स्क्वायर फीट में जो जगह टोटल है हमारे पास 12,500 है जो कि फ्लोर स्पेस को रिप्रेजेंट करती है याद रखिए इस बात को और एम्प्लॉयज जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात हो रही है तो टोटल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 140 है यहाँ और फिर आगे बढ़ बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हुई इन इक्विपमेंट तो डिपार्टमेंट ए के पास जो इक्विपमेंट है 170,000 का है डिपार्टमेंट बी के पास 80,000 है सी के पास 130,000 है और डी के पास 70,000 जबकि ई के पास 50,000 रुपीज़ है तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमसे रिक्वायरमेंट में क्या मांगा गया और कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओवरहेड को ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स के यानी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड है उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भी हमें यहाँ बता दी गई कि डिपार्टमेंट सी जो हम बांटेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बांटेंगे और इसी तरह डिपार्टमेंट डी जो बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट बांटेंगे इसी तरह स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ई जो हम बांटेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस बांटेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बात आपको बताते चले कि जब हम जिस भी डिपार्टमेंट को बांट रहे हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी एलोकेशन कर रहे हैं अपोर्शनमेंट कर रहे हैं तो उस सूरत में हम कंसिडरेशन में उसकी जो बेसिस होंगी उनको कंसिडर नहीं करेंगे यानी कि ये डिपार्टमेंट सी जो बढ़ रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहा है तो अंडरस्टूड है कि इसको लेने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ए के डिपार्ट होगा बी डिपार्ट होगा और डी डिपार्ट होगा और ई डिपार्ट होगा तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम यहाँ अपने पास
जो आपकी सी के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन हम आपको बता चुके हैं, चूंकि अब ये डिपार्ट खत्म हो रहा है तो इस सूरत में अब इसके टोटल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी बेसिस को कंसीडर नहीं करेंगे, फिर इसको हम बांटने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट सी की जो पूरी कॉस्ट है 14,000 वो बढ़ेगी इस 40, 30, 30 और 20, यानी कि 70, 100 और 120, तो 120 एम्प्लॉयज के दरमियान बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे यहाँ मिलेगा। इसी तरह जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो उन्होंने चूंकि यहाँ कह दिया कि डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन जो दूसरे जो डिपार्ट्स होंगे जिनको एलोकेट कर चुके हैं उनको वो दोबारा से कॉस्ट नहीं मिलेगी, तो इट मीन्स के अब सी तो बिल्कुल यहाँ से रिटायर हो चुका हुआ है, खत्म हो चुका हुआ है। तो अब जब हम डी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डी की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होगी कि हमने सी को तो कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है, यानी कि ऑन द बेस ऑफ इक्विपमेंट, तो सी की कंसिडरेशन नहीं होगी, जबकि डी को भी हमें यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इस सूरत में अब हमारे पास से सी भी चला जाएगा और डी भी यहाँ से हमारे पास से चला जाएगा। तो अब जो हमारे पास एलोकेशन होगी वो होगी ऑन द बेस ऑफ थ्री डिपार्टमेंट्स, यानी कि नंबर वन ए को मिलेगा, नंबर टू बी को मिलेगा और नंबर थ्री यहाँ ई को मिलेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ जो कंसिडरेशन होगी वो इन तीन डिपार्ट्स के हवाले से ही की जाएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं वाली बात की आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिपार्टमेंट ई की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस। याद रखिए अब जब फ्लोर स्पेस की बात हो रही है तो फ्लोर स्पेस स्क्वायर फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स की स्टूडेंट्स सी तो ऑलरेडी खत्म हो चुका हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डी भी यहाँ से खत्म हो चुका हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब जब हम ई को बांटने जा रहे हैं तो इट मीन्स कि हम इसको भी कंसिडरेशन में नहीं लाएंगे। तो अब जो हमारे पास पार्ट्स बचते हैं वो सिर्फ डिपार्टमेंट ए बचता है और डिपार्टमेंट बी बचता है। तो इस सूरत में इनकी बुनियादों पे ही हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट ई की जो कॉस्ट है। एक जो बताना था वो ये आपको बात समझानी थी, यहाँ जो कंसिडरेशन थी वो इन एम्प्लॉयज की थी जो कि आपको ग्रीन से नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक बात और याद रखिएगा कि जैसी ही आप कोई डिपार्टमेंट को एलोकेट करेंगे अदर डिपार्ट्स में, तो जैसा कि हमने पहले भी किया कि एलोकेशन के बाद उसकी टोटल कॉस्ट में इजाफा हो गया था, यानी कि मिसाल के तौर पे कि 15,000 अगर यहाँ हमने ए को दिए हैं तो 15,000 की अपनी जो कॉस्ट मौजूद है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो कॉस्ट रिसीव की डिपार्टमेंट सी से वो भी यहाँ इसमें शामिल हो जाएगी। और फिर अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम फिर इसकी कॉस्ट और प्लस पीछे से हमें डिपार्टमेंट से कॉस्ट मिली वो ऐड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। आइए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमने इसको किस तरह सॉल्व किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपॉर्शनमेंट कर लेंगे कॉस्ट की, तो सी को जो हमने इसकी अपॉर्शनमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयज की है, तो याद रखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे ताकि हम एक प्रोपोर्शन डेवलप कर लें। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो थे इन डिपार्टमेंट ए वो आप पे ऐड हो जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट बी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट बी, यानी कि सी चूंकि बांटता है इसमें उसको हमने टोटल का हिस्सा नहीं बनाया। तो याद रखिए कि डिपार्टमेंट ए के जो एम्प्लॉयज थे वो आपके पास 40 थे, जबकि डिपार्टमेंट बी के जो आपके पास एम्प्लॉयज थे वो आपके पास 30 थे, डिपार्टमेंट ई में जो डी में जो एम्प्लॉयज थे आपके पास वो 30 थे, जबकि डिपार्टमेंट ई के जो एम्प्लॉयज थे आपके पास वो 20 थे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जैसे ही आपने इन तमाम का टोटल किया तो आपके पास 120 एम्प्लॉयज आ जाते हैं। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी की पर एम्प्लॉय। तो कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी पर एम्प्लॉय का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी को हम बांट देंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट डी एंड डिपार्टमेंट ई, जो कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किए 120। और डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट भी आपके सामने मौजूद थी, हमने 14,000 वहाँ देखा था जो आपकी फर्स्ट स्लाइड पर मौजूद था। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी पर एम्प्लॉय बराबर होता है 14,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे 120 से, तो हमारे पास जो इसकी
कॉस्ट पर एम्प्लॉय आ जाएगी वो आ जाएगी 116.666 या 116.67, जिसको आप राउंड फिगर के तौर पे लिख सकते हैं। उम्मीद करते स्टूडेंट यहाँ तक के बाद आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड स्टेप पे चलते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ अपोर्शनमेंट जो कर रहे हैं उसका जो फॉर्मूला है उसका कुछ फॉर्मूला ऐसा है कि अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, वो ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिस डिपार्ट के मौजूद हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी पर एम्प्लॉय, यानी कि जो पर एम्प्लॉय के ऊपर इसकी कॉस्ट आई है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा, और फिर स्टूडेंट्स हमने यहाँ देखा कि अपोर्शनमेंट जो करेंगे हम कॉस्ट की ऑफ डिपार्टमेंट ए, तो ए के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो 40 थे, 40 को हमने मल्टीप्लाई किया अपनी प्रीवियस स्लाइड से कैलकुलेट करे हुए कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी पर एम्प्लॉय 116.666। इसका जो टोटल आया हमारे पास वो 4667 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बी की बात करेंगे, तो उस वक्त में स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट बी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो 30 थे, 30 को जैसे ही हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया इसके रेट से जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में निकाला था 116.667, तो हमारे पास जो इसकी अमाउंट आती है वो 3500 आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और अब क्वेश्चन बात करेंगे डिपार्टमेंट डी के लिए, तो डिपार्टमेंट डी के जो एम्प्लॉयज थे वो भी 30 थे, तो जैसे ही हमने 116.666 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेम अमाउंट आ गई जो कि डिपार्टमेंट डी को मिली 3500। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट करते हैं डिपार्टमेंट ई के लिए, तो डिपार्टमेंट ई में जो इम्प्लॉयज थे वो 20 थे, और 20 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 116.666 से तो हमारे पास जो इसकी अमाउंट आ गई वो आपके सामने मौजूद है। और फिर अगर हम इन तमाम के तमाम अमाउंट्स का टोटल कर लें तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि अमाउंट आपके सामने वही बन जाती है 40,000 रुपीज जो कि आपने बांटी है यानी कि एलोकेट की है। इस तरीके से स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी हमने एलोकेट कर दी, अपोर्शनमेंट इसकी कर दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं डिपार्टमेंट डी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट डी में अगर आप गौर करें तो इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट डी, यहाँ सी को हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, जैसे कि हमने आपको डिटेल डिस्कशन की क्वेश्चन की स्लाइड के ऊपर कि क्यों हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बता दिया गया कि सी का अब कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो ख़त्म हो चुका है, और फिर अब बात कर रहे हैं डी की, तो इसका मतलब है कि डी को भी बांटना है, तो डी अपनी कॉस्ट में कोई हिस्सेदारी नहीं रखेगा। तो अब जो रिमेनिंग डिपार्ट्स बच जाते हैं वो ए, बी एंड ई बच जाते हैं, तो आइए इनके इन्वेस्टमेंट का टोटल निकालते हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट इन डिपार्टमेंट ए प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट इन डिपार्टमेंट बी प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट इन डिपार्टमेंट डी। स्टूडेंट्स याद रखिए इनको जब हमने निकाला तो हमने देखा हमारे क्वेश्चन में 170,000 इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट डी की वो 170,000 थी, डिपार्टमेंट बी में जो इन्वेस्टमेंट थी इक्विपमेंट है वो 80,000 थी, जबकि डिपार्टमेंट डी में 50,000 थी। स्टूडेंट्स इस तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट इन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट डी में जो आ गई वो हमारे पास आ गई 3,00,000 रुपीज। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने सी बांटा था तो सी को कहीं से भी कोई कॉस्ट नहीं मिली थी, तो इसके वही 14,000 उसका हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अपनी जो कॉस्ट है डी की वो तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जो इसने सी से भी ली रिसीव की वो भी अब डी का हिस्सा बन चुकी है, तो इट मीन्स की पूरी कॉस्ट को हमें डिपार्टमेंट डी की एलोकेट करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी बराबर होगी कॉस्ट इन डिपार्टमेंट डी जो कि ऑलरेडी इसको मिली थी एफओएच, प्लस हम ऐड कर देंगे जो इसको अपोर्शनमेंट हुई है फ्रॉम सी डिपार्ट, तो वो भी ऐड होगी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी आ जाएगी। तो इसकी जो अपनी कॉस्ट थी वो 8,000 रुपीज़ थी, जबकि इसने जो डिपार्टमेंट से ली वो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर मौजूद है, और जब हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास जो अमाउंट आई 11,000
500 यहाँ इसकी कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट भी आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी, यानी कि अब जो हम बांटने जा रहे हैं वो इस अमाउंट को बांटेंगे जो कि आपके सामने मौजूद है कि 11,500 अभी आपके टोटल अमाउंट है जिसको हम बांटने जा रहे हैं। और किस तरह बांटेंगे आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। द अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट डी टू डिपार्टमेंट फॉर्मूला है, डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी से। तो ये एक्चुअली एक प्रोपोर्शन डेवलप कर देगा, एक रेशियो डेवलप कर देगा। ये वाला जो फेज है आपका ये एक प्रोपोर्शन और रेशियो को डेवलप कर रहा है, याद रखिए स्टूडेंट्स ये बात, ये एक रेशियो को डेवलप कर रहा है। और जब उस रेशियो को हम जिस भी चीज़ को बांटना है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल उसकी अपोर्शनमेंट आ जाएगी। तो आइए देखते हैं डिपार्टमेंट ए को, तो डिपार्टमेंट ए का जो अपना ज़ाती इन्वेस्टमेंट था इक्विपमेंट में 1,70,000 था, उसको जैसे ही स्टूडेंट्स हमने डिवाइड किया टोटल इन्वेस्टमेंट से जो कि 3 लाख रुपीज़ हमारे सामने मौजूद है जो हम टोटल करके लेकर आए थे डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट ई का, तो उससे हमने जैसे ही डिवाइड किया एक रेशियो डेवलप हो गया और उस रेशियो को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 11,500 जो कि कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी हमने टोटल निकाली थी, तो हमारे पास 6,517 जो है इसकी अमाउंट आ गई जो कि डिपार्टमेंट ए को मिली फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। इसी तरह आगे बढ़े डिपार्टमेंट बी की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट बी में जो इन्वेस्टमेंट थी इन इक्विपमेंट वो 80,000 रुपीज़ थी, उसको हमने डिवाइड किया 3 लाख रुपीज़ जो कि 3 लाख रुपीज़ टोटल थी, हमने फिर उसको मल्टीप्लाई किया अगेन 11,500 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है वो आ जाती है 3,067। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और अपोर्शनमेंट करते हैं डी की टू डिपार्टमेंट ई, तो डिपार्टमेंट ई में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 50,000 थी और उसको डिवाइड किया 3 लाख से और फिर हमने मल्टीप्लाई किया 11,500 से, तो हमारे पास जो अमाउंट यहाँ आ जाती है वो आ जाती है 1,916। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट थी उसको भी एलोकेट कर दिया ऑन द रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स ए बी एंड ई पे। और इसको टोटल अगर हम निकाल लें तो इसका टोटल बिल्कुल वही बनता है जो अभी आप निकाल के लाए थे 11,500। उम्मीद करते हैं स्टडी बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब अपने नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं और डिपार्टमेंट ई की अपोर्शन किस तरह की गई है उसको देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ई ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस स्टूडेंट्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, अपोर्शनमेंट उसकी की जाएगी। तो टोटल फ्लोर स्पेस इन डिपार्टमेंट ए एंड बी जो बनता है डिपार्टमेंट ए प्लस डिपार्टमेंट बी का जो टोटल फ्लोर स्पेस है, तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ए में 2000 स्क्वायर फीट था जबकि डिपार्टमेंट बी में 3000 स्क्वायर फीट था। तो इस तरह टोटल जो फ्लोर स्पेस बनता है इन डिपार्टमेंट ए एंड बी वो बन जाता है स्टूडेंट्स 5000। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि टोटल हमने 5000 फ्लोर स्पेस पे इसकी डिपार्टमेंट ई की कॉस्ट को एलोकेट करना है। अगेन यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ई निकालनी पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ई अब इस तरह निकलेगी कि इसकी अपनी जो कॉस्ट है वो तो मौजूद है कॉस्ट ऑफ ई, इसको प्लस जो मिली डिपार्टमेंट सी से वो भी कॉस्ट आएगी, इसको जो डिपार्टमेंट डी से कॉस्ट मिली इसकी वो भी आ जाएगी, और फिर चूंकि इसको हम तीनों को जब टोटल करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी कुछ कि 2000 जो है अपनी खुद की ज़ाती कॉस्ट थी जो क्वेश्चन में गिवन थी ई को, सी से जो इसने कॉस्ट ली 2,333 ली जबकि डी से जो कॉस्ट ली वो कुछ इस तरह ली। और जब हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को टोटल किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ई जो आ गया वो 6,249 रुपीज़ आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स अब जो हमें अमाउंट बांटनी है वो ये 6,249 रुपीज़ की अमाउंट को बांटना है, लेकिन अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ए और बी बचे हैं जो कि प्रोडक्शन डिपार्ट्स हैं। वाइए स्टूडेंट्स देखते हैं आपकी अगली स्लाइड में के अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ई ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस।
स्टूडेंट्स अपॉर्चुनमेंट जो की गई पी की टू डिपार्टमेंट्स, उसका जो फॉर्मूला है डिपार्टमेंट फ्लोर स्पेस को हम डिवाइड कर देंगे टोटल फ्लोर स्पेस से और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी से, जैसे कि अभी हमने अपने प्रीवियस पार्ट के साथ यानी कि डिपार्टमेंट डी के साथ किया था। तो अपॉर्चुनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ई टू डिपार्टमेंट ए जो बनता है तो फ्लोर स्पेस डिपार्टमेंट ए का डिवाइड करेगा टोटल फ्लोर स्पेस जो कि हमने निकाला अपनी प्रीवियस स्लाइड में 5000 और फिर हम उसको जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ई जो कि 6249 रुपीज़ आई। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहां आपके पास जो आंसर आएगा वो 2500 आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपॉर्चुनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ई टू डिपार्टमेंट बी। स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट बी का जो फ्लोर स्पेस था वो 3000 था जबकि यहाँ अगर आपसे बात करें तो 5000 इसकी टोटल हमारे पास कॉस्ट टोटल हमारे पास फ्लोर स्पेस थी ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी की। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका भी रेशियो डेवलप हुआ और जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ई जो कि 6249 है हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 3749 आ जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको भी हम टोटल करके देखें तो हमारे पास इसका जो टोटल बनता है वो यही बनता है कि 6249 रुपीज़। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब अपने शेड्यूल को बनाते हैं। यहाँ एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो जाती है कि एक्सेल वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी लेकिन चूंकि इसको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में दिखाना बेटर होता है इसलिए हमने इसका भी एक शेड्यूल डेवलप किया। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। तो शेड्यूल ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर्स सर्विस डिपार्टमेंट्स पहले डाल दिए हमने, इसकी रीज़न ये है कि ये एलोकेट होकर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे चले जाएंगे। तो सर्विस डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट सी है, डिपार्टमेंट डी है और डिपार्टमेंट ई है। जबकि अगर बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है। आइए अब बात करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट का एफओएच बिफोर अपॉर्चुनमेंट गिवन है यानी कि अगर आप याद करें तो लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहले जो मुख्तलिफ आइटम्स थे एफओएच के उनको एलोकेट किया था टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और फिर उसके बाद उनके टोटल निकालने के बाद हमने उसकी अपॉर्चुनमेंट शुरू की थी। तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक काम ऑलरेडी करके दिया हुआ है तो इसलिए हमारे शेड्यूल थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हमारे पास डिपार्टमेंट सी को जो कॉस्ट गिवन थी 14,000 गिवन थी, डिपार्टमेंट डी को 8,000 गिवन थी, डिपार्टमेंट ई को 2,000 गिवन थी जबकि डिपार्टमेंट ए को 15,000 ऑलरेडी गिवन थी और डिपार्टमेंट बी को 12,000 गिवन थी। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपॉर्चुनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट सी की। तो अपॉर्चुनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट सी जो है हमारे पास वो मौजूद है, आपको याद होगा कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में करके आए तो चूंकि हम इसको बांट चुके हैं तो ये 14,000 से यहाँ ख़त्म हो जाता है जबकि डिपार्टमेंट डी को जो हमने कॉस्ट इसकी दी थी वो दी थी 3500, डिपार्टमेंट ई को 2333 गिवन थी और फिर ए को जो मिली थी 4667 थी और डिपार्टमेंट बी को जो इसकी कॉस्ट मिली 3500 मिली। याद रखिए स्टूडेंट्स जो पीछे हम जितनी कंपटीशन करके आए हैं जस्ट हम क्या कर रहे हैं उनको यहाँ पुट कर रहे हैं तो आपको इसीलिए हम रेफर करेंगे कि आप जो स्लाइड्स हैं अपॉर्चुनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट सी की जो स्लाइड्स हैं आप उनको देखिए तो आपको वहाँ से इनकी एलोकेशन मिल जाएगी अपॉर्चुनमेंट मिल जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे इनके टोटल कर लेते हैं और हम पता लगाएंगे कि एफओएच आफ्टर अपॉर्चुनमेंट ऑफ सी क्या क्या बनती है। ये काम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अब जो आने वाले नेक्स्ट रिपार्ट्स हैं उनकी हमें टोटल कॉस्ट का भी मालूम होता रहे। तो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट सी को यहाँ निल हो जाता है जबकि डिपार्टमेंट डी में जो कॉस्ट आपकी आ जाएगी तो डिपार्टमेंट डी को ऑलरेडी जो मिली हुई कॉस्ट थी वो और प्लस डिपार्टमेंट जो सी से इसको अपॉर्चुनमेंट मिली है वो तो 8,000 प्लस 3,500 तो यहाँ 11,500 यहाँ इसकी भी अमाउंट हो जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिपार्टमेंट ई को जो मिली तो 2000 और 2333 तो 4333 यहाँ इसका भी टोटल आ जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं डिपार्टमेंट ए की। तो डिपार्टमेंट ए को 15,000 प्लस 4667
इन दोनों को अगर आपस में हम ऐड कर दें तो 19,667 यहाँ इसकी अमाउंट मिल जाती है। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और डिपार्टमेंट बी की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट बी में आपके पास 12,000 की ऑलरेडी गिविंग कॉस्ट थी, जबकि इसको अप्रोचमेंट की सूरत में जो डिपार्टमेंट सी से मिली वो 3,500 मिली। तो इस तरह इसमें 12,000 और 3,500 15,500 इसका भी टोटल बन जाता है। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और अप्रोचमेंट ऑफ डिपार्टमेंट डी की बात करते हैं। तो अप्रोचमेंट ऑफ डिपार्टमेंट डी में एक्चुअली जो हमें गिवन है वो आपको रेफर करेंगे कि जो हमने अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट डी दी है उस स्लाइड्स को देखें तो इसमें सी शामिल ही नहीं है। तो अब डी चूंकि खत्म हो रहा है बढ़ रहा है तो इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट इसकी यहाँ से खत्म हो जाती है, माइनस कर देंगे और इससे जो एक हिस्सा मिला वो डिपार्टमेंट ई को मिला 1916, डिपार्टमेंट ए को मिला 16,570 और डिपार्टमेंट बी को जो मिला वो मिला 3,067। आइए अब इसकी एलोकेशन के बाद की वैल्यूज देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट सी तो एज इट इज निल ही है हमारे पास, अब डिपार्टमेंट डी भी यहाँ निल हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ई की तो 6,249 इसका टोटल बनता है, यानी कि 4,333 में अब हमने ऐड किया 1,960 तो हमारे पास 6,249 इसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है आफ्टर अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट डी। और अगेन जो हम बात करेंगे तो डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट में भी इजाफा हुआ तो 19,667 इसमें ऐड किया 6,517 जो कि हमें डिपार्टमेंट डी से इसकी कॉस्ट में इजाफा होता हुआ नजर आया। तो इस सूरत में 26,184 यहाँ इसका टोटल आ जाता है। आइए अब बात करते हैं डिपार्टमेंट बी की। तो डिपार्टमेंट बी की जो अमाउंट है वो 15,500 है, इसमें हमने ऐड किया 3,067 तो हमारे पास 18,567 इसकी अमाउंट भी बन जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपने लास्ट डिपार्टमेंट की। तो इस लास्ट डिपार्टमेंट में हमने क्या करा है, इसमें हमने लास्ट डिपार्टमेंट में अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ई किया है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो डिपार्टमेंट ई की टोटल कॉस्ट है वो 6,249 है। तो आइए अब इसकी भी अपोर्शनमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप जो अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ई की स्लाइड्स हैं उनको देखें और वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने ए और बी को जो इनकी कॉस्ट एलोकेट की थी वो कुछ इस तरह की थी कि डिपार्टमेंट ई की जो हमने एलोकेशन की है उस सूरत में डिपार्टमेंट ई का जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, जो अमाउंट है ख़त्म हो जाएगी और उसमें से 2,500 ट्रांसफ़र की गई अपोर्शनमेंट दी गई डिपार्टमेंट ए को 2,500। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट बी है उसको जो अपोर्शनमेंट दी गई वो 3,749 बनती है। तो इस वक्त में स्टूडेंट्स हमने जब इनका टोटल किया तो टोटल अमाउंट्स जो आ रही है हमारे पास डिपार्टमेंट सी निल हो जाता है, डिपार्टमेंट डी भी हमारे पास निल हो जाता है और डिपार्टमेंट ई भी निल हो जाता है, जबकि डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट आपके सामने मौजूद है और डिपार्टमेंट बी भी हमारे पास टोटल हो गए इस सूरत में आ गया, यानी कि 26,184 में जब हमने ऐड किया 2,500 को तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई टोटल। इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी में जब हमने ऐड किया जो इसकी अप्रोच थी अपोर्शनमेंट आफ्टर अपोर्शनमेंट ऑफ डी उसमें ऐड किया अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ई को हमारे पास बी की भी टोटल आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हमने अगर इन दोनों वैल्यूज को टोटल करें तो ए और बी की तो हमारे पास टोटल अमाउंट एग्जैक्टली वही बनेगी जो हमारी टोटल अप्रोच की अमाउंट थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करते हैं कि बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ जाता है और आपके क्वेश्चन आंसर का वेट कर रहे हैं। एक बात आपको दोबारा रिमाइंड कराते चलें कि जो भी लेक्चर्स हम यहाँ आपको देते हैं वो आपके पास 48 आवर्स के लिए गूगल क्लासरूम पे अपडेट अपलोड कर दिए जाते हैं। वो आपसे दरख्वास्त है कि बार बार इन लेक्चर्स को सुनें और चीज़ों में क्लैरिटी पैदा करें और वहाँ भी अगर आपको कोई क्यूरी होती है जो अभी इस वक्त इंटरटेन ना हो पाए तो आपने सवालात का सिलसिला गूगल क्लासरूम पे भी कायम रखना है। कमेंट बॉक्स में आप हमसे जो दिल करें क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर से रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।